हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीओके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली कुछ मैच भी हो गए हैं, हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल की दो सबसे पड़ोसी टीम्स है, जो कि लखनऊ और दिल्ली की टीम है। यह आईपीएल का मैच नंबर 26 खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ हमें दिल्ली कैपिटल्स दिखेंगे तो वहीं दूसरी साइड हमें लखनऊ सुपर जायंट्स दिखेंगे। जहाँ पे लखनऊ अर्श पे है तो वहीं पे दिल्ली की टीम फर्श पे स्टेबल है। यह मैच आपको 12 अप्रैल को लखनऊ के अटल बिहारी खन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैन सीजन के अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पे सूर्या भाई का नंबर दिया, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में अभी तक टोटल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल 0 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते चलते हैं कि पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे लखनऊ की पिच हमेशा से बॉलर्स को सूट करती है, स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलती है, बैटर को शुरुआती ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। टॉस जीतकर टीम यहाँ पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, वहीं पे लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। इस पिच पे आज तक आईपीएल में 200 रन नहीं बना है। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 44% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, यहाँ फर्स्ट इनका स्कोर 155 है, वहीं पर सेकेंड इनका स्कोर 142 है। अब आप बात करते हैं चलते हैं पहली टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर टूर्नामेंट में टीम ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है, जहाँ पर टीम ने एक हार के बाद लगातार 3 मैच में जीत का झंडा गाड़ के आ रही है। लास्ट गेम में बात करेंगे, जहाँ पर टीम ने गुजरात को घर में ही हरा दिया था, वहीं टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल उतर रहे हैं। नंबर 3 पर आपको देवदत्त पडिक्कल को लगातार मौका भी मिल रहा है, लेकिन वो अब तक आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पे आयुष बरन जो इस साल टीम के लिए रन नहीं बना पा रहे, वहीं पे लोअर ऑर्डर में जहाँ पे मार्कस स्टोनिस जो कि लास्ट गेम में 58 रन बनाए थे, जबकि वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन भी लगातार रन बना रहे, वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। वहीं बात करेंगे टीम की बॉलिंग तो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, और यहाँ पे यश ठाकुर ने जो कि लास्ट गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 5 विकेट लिए थे, जहाँ पे नवीन उलग जो कि अब तक उतना विकेट नहीं ले पाए। इस मैच में टीम वेस्ट इंडीज के जहाँ पे समर जोसेफ को चांस दे सकती है, वहीं पे स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई जो टीम के ट्रम्प कार्ड है, कृणाल पांड्या भी लगातार विकेट ले रहे हैं। वहीं आईपीएल की सनसनी मयंक यादव जो कि लास्ट मैच में इंजरी हुई थी, जिसके चलते वो एक ओवर ही डाल पाए थे, अब इस मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस भी है। वहीं पे एम सिद्धार्थ जो कि मौका मिला था पिछले गेम में। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्विंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, देवदत्त पडिक्कल है, निकोलस पूरन है, आयुष बदोनी है, मार्कस स्टोनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उल्लर, मयंक यादव या उनके जगह मोहसिन खान भी आ सकते हैं, वहीं पे यश ठाकुर भी है। अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर में, जो कि एम सिद्धार्थ है, सैमर जोसेफ है, अमित मिश्रा, दीपक हुड्डा है और सद खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि केएल राहुल है, निकोलस पूरन है, मयंक यादव है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट की, जहाँ पे टीम एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, टीम के लिए अब तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। टीम अब तक 5 मैच खेलकर बस एक ही मैच जीत पाई, वहीं लास्ट गेम में जहाँ पे टीम मुंबई से बुरी तरह पिट गई थी, टीम की बॉलिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। टीम ने लास्ट गेम में जहाँ पे मिचेल मार्श के जगह एक बॉलर जी रिचार्डसन को मौका दिया था, लेकिन वो भी फ्लॉप रहे हैं। टीम ने जहाँ पे हैरी ब्रुक के रिप्लेसमेंट के तौर पे साउथ अफ्रीका के लिजार्ड विलियम्सन को साइन किया था, वो जल्दी ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं टॉप ऑर्डर में जहाँ पे डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पृथ्वी ने लास्ट मैच में 66 रन बनाए थे, वहीं नंबर 3 पे जहाँ पे अभिषेक पोरेल ने भी 41 रन बनाए थे, कप्तान पंत भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं पे क्रिस्टन स्टफ जो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है, स्टफ्स ने लास्ट गेम में 25 बॉल में 71 रन बनाए थे। अगर बॉलिंग की बात करें तो टीम बहुत महंगी पिट गई थी, साउथ अफ्रीका पेसर एनरिच नॉर्जी जो कि इस वक्त बहुत ही महंगे बॉलिंग कर रहे हैं, इस मैच में वो ड्रॉप हो सकते हैं। वहीं पे मुकेश कुमार जो कि लास्ट गेम में चोट के चलते बाहर हो गए थे,
यहाँ पे खलील अहमद टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। स्पिन डिपार्टमेंट में जहाँ पे अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा भी अब तक अनइफेक्टिव दिखे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है, अभिषेक पोरेल है, क्रिस्टन स्टाप्स है, ऋषभ पंत है, अक्षर पटेल है, ललित यादव, जी रिचार्डसन, खलील अहमद, ईशांत शर्मा और एनरिच नॉर्जी हुए। अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि सुमित कुमार है, जैक फ्रेसर है, यश धूल है, प्रवीण दुबे और कुछ अग्रह है। बात करें इनके की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे क्रिस्टन स्टाप्स है, ऋषभ पंत है और खलील अहमद है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर दिल्ली कैपिटल्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच विनर भी दिल्ली कैपिटल्स होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।